हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल क्या होता है। स्टूडेंट, इससे पहले मेरे जितने भी वीडियोस हैं लाइक बेसल फंक्शन के अंदर मैंने आपको बता रखा था कि बेसल के रिकरेंस रिलेशन को किस तरह से प्रूव करते हैं, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, देन उसके बाद मैंने उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिए थे, देन उसके बाद मैंने लीजेंडरी के अंदर रोड्रिगेस फार्मूला, देन उसकी जनरेटिंग फंक्शन, देन रिकरेंस रिलेशन, इन सभी पे यहाँ पे मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। यहाँ पे आई टेप पे जाके आप मेरे पुराने वैसे भी वीडियोस देख सकते हैं। और स्टूडेंट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट, IIT जेम और भी जो BSc और इंजीनियरिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी के वीडियोज़ मेरे यहाँ पे अपलोडेड है और आप आई टेप में जाके भी देख सकते हैं, प्लस आप प्लेलिस्ट में जाके भी मेरे पुराने सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे जो टॉपिक है स्टार्ट करने वाला हूँ वो है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैं हर बार बोल रहा हूँ आपको कि जो स्पेशल फंक्शन के अंदर लीजेंडरी और बेसल है, इनके अंदर दोनों की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, दोनों के रिकरेंस रिलेशन, बाकी रोड्रिगेस फार्मूला है या फिर जनरिक फंक्शन है, इन पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सो देखिए हम किस तरह से इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट, ये जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है लीजेंडरी पॉलिनोमियल की, ये एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछी जाती है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। लाइक जैसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है लाइक ये दोनों मिलके आ जाएगा कि शो दैट -1 to 1 PMx Pnxdx इज इक्वल टू 0 इफ m इज इक्वल टू n और PnX का होल स्क्वायर -1 to 1 dx 2/2n+1, या फिर ये एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है -1 to 1 PmxPnxdx इज इक्वल टू 0 वेर m इज नॉट इक्वल टू n और 2/2n+1 वेन m इज इक्वल टू n, या फिर कभी कभी एग्जाम में ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि -1 to 1 PmxPnxdx is equal to 2/2n+1 delta mn। ये जो डेल्टा होता है इसको क्रॉनिकल डेल्टा बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जब ये m is not equal to n होता है तब इसकी वैल्यू 0 होती है और जब m is equal to n होता है तब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो स्टूडेंट, ये इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि बेसल के अंदर भी मैंने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी बताई थी, वो भी रोटी लगभग इसी टाइप से बात करती थी कि जब अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा होता है तब उसकी वैल्यू 0 होती है और जब अल्फा और बीटा दोनों बराबर होते हैं तब उस वाले केस में उसका आंसर अलग होता है, राइट। सो देखिए यहाँ पे इसका प्रूफ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो लीजेंडरी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, 1 - x²d2y/dx² - 2x dy/dx + n (n+1y) इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीजेंडरी इक्वेशन होती है। तो हम इसी से चलेंगे यहाँ पे। सिंस PmX एंड PnX इज सेटिस्फाइंग लीजेंडरी इक्वेशन वी हैव, ऑब्वियसली ये इसका सॉल्यूशन होता है ना, लीजेंडरी जो PnX जो होता है वो उस इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जहां पर भी y है वहां PmX रखेंगे तो क्या हो जाएगा, d2 PmX / dx², तो इसको लिख सकते हैं PM" है ना, तो ये आ जाएगा आपका PM' PM है ना। PnX भी अगर इसको इसका सॉल्यूशन है तो PnX भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जहां पर m है वहां पे n रख देंगे और Pn हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए अब आगे, क्योंकि अपने को PM और PN दोनों चाहिए प्रूफ में, तो अपने को दोनों लेके चलना पड़ेगा, है ना। नाउ मल्टीप्लाइंग 1 by PN and 2 by PM, इसको हम PM से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम PM से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट देखिए, मैं इसको PN से मल्टीप्लाई करता हूं, लाइक मैं यहां लिख देता हूं ना PN into, है ना। देन मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, PM से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट दोनों क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, मैं सीधा लिख रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले देखो ये 1 - x² को क्या करेंगे स्टूडेंट, हम कॉमन निकालेंगे, है ना। अब देखो कॉमन निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा, PM" PN, है ना, माइनस, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा, PN" PM आएगा। नाउ इस टर्म को देखो, तो देखो यहाँ से -2x कॉमन आ रहा है ना। नाउ ये से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट कितना आएगा, PM" PN। नाउ माइनस ये कितना आएगा, PN" PM। नाउ इधर देखेंगे आप तो यहां पे क्या आएगा, देखो ये जैसे PN मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा PN PM, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं तो ये आएगा आपके पास PN PM। तो मैं PN PM को क्या कर देता हूं, कॉमन ले लेता हूं और यहां पे जो टर्म आएगी आपकी वो क्या आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा m² + m और ये इससे माइनस हो रहा तो ये आएगा माइनस का n² - n इज इक्वल टू 0। तो इसको इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो दोनों टर्म है इन दोनों टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, d/dx(1 - x²) PM - PN - PN - PM+, यहां से आप देखेंगे तो ये m² - n² तो इसको लिख सकते हैं हम n - m m+n, है ना। ये दोनों को एक साथ लिखा प्लस ये आ जाएगा m - n एंड देन यहाँ लिख दिया मैंने आपको PN PM = 0। देन मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ।
सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये वाली जो लाइक इन दोनों को हम कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं, जब आप इसको u into v से डिफरेंशिएट करेंगे, लाइक हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म आएगी, देन हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x आएगा, देन इसको हम छोड़ेंगे। अब आप बोलोगे सर इसका हमने छोड़ा और इसका किया तो सर ये तो ऐसा कैसे आ सकता है, तो भाइयों आप क्या करो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका भी u into v से करोगे और इसका भी u into v से, तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग टर्म ये बचेगी ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ अब क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा वापस लिख लेता हूं, d by dx of 1 minus x square, then 1 minus x square, pn dash, pn minus, pn dash, pm, now ये आपके पास आ जाएगा, m minus n को कॉमन निकाल दीजिए आप, सो m minus n को कॉमन निकाला तो ये बना आपके पास m plus 1, है ना, pm, pn is equal to 0। नाउ हम क्या करेंगे, अब उस टर्म को मैं उधर लेके जाता हूं, तो मैं थोड़ा उधर लेके चला जाता हूं, है ना, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम डैश पी एन माइनस पी एन डैश पी एम, ठीक है, नाउ इज इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो मैं माइनस अंदर ले लेता हूँ, तो इसको लिख देता हूँ एन माइनस एम एम प्लस वन पी एम पी एन। नाउ इंटीग्रेट, अब आपको प्रूव क्या करना है, एक्चुअली माइनस वन से वन करना है ना, तो आपको क्या करना है, नाउ इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू x between minus 1 to 1 on both side of equation। तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, माइनस वन टू वन करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो स्टूडेंट ये वाली जो टर्म है मैं इसको उधर लिख लेता हूं, तो n माइनस एम एन एम प्लस एन प्लस वन और माइनस वन से वन, ये आएगा पी एम एक्स पी एन डी एक्स लिख रहा हूं, एक्स एक्स नहीं लिख रहा हूं, देन अब इसको भी करेंगे आप तो ये आएगा माइनस वन से वन d by dx of 1 minus x square then pm dash pn minus pn dash pm into dx। पर स्टूडेंट यहाँ पे d by dx इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये आएगा n minus m m plus 1 minus 1 से 1 pm pn dx, तो ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये सीधा यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी, पी आएगा पी एम डैश पी एन माइनस पी एन डैश पी एम, नाउ ये आ जाएगा आपके पास माइनस वन से वन। पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं जहां पर एक्स में वन रखेंगे तो वन माइनस वन, वन माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है, और जैसे आप एक्स की जगह माइनस वन रखेंगे तो भी ये क्या होता है, जीरो होता है, तो स्टूडेंट यहां से इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, है ना, इफ एम इज नॉट इक्वल टू एन, है ना, तो जब एम इज नॉट इक्वल टू एम है तब इसका जो वैल्यू है जीरो आएगा, तो इस पूरे को हम जीरो में लेके जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी माइनस वन पी एम पी एन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, ये जीरो आएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। सो अब मैं आपको लेस लेके आने वाला हूँ, ये तो मैंने m इज नॉट इक्वल टू n के लिए प्रूव किया, अब मैं m इज इक्वल टू n के लिए प्रूव करूंगा, तो वापस मैं इसको हटा के m इज इक्वल टू n के लिए आपको बताता हूँ कि कैसे हम वहाँ पे इसको m इज इक्वल टू n के लिए बताएंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे m इज नॉट इक्वल टू n के लिए हम बात कर चुके हैं, नाउ व्हेन m इज इक्वल टू n देन हमें ये प्रूव करना है कि माइनस वन टू वन पी एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टू अपॉन टू एन प्लस वन। तो प्रूफ में देखिए स्टूडेंट हम जानते हैं जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला ये होता है, अब अगर मैं पी एन एक्स का बाद जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला तो भी यही आएगा, और पी एम एक्स में लिखूंगा तो जेड पावर m आ जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सो मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन वन एंड टू, तो इन दोनों की साइड को मल्टीप्लाई करता हूं स्टूडेंट, ये हाफ और ये हाफ माइनस हाफ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा माइनस टू एक्स जेड स्क्वायर पावर माइनस वन, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव एन एम इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव पी एन एक्स पी एम एक्स, देन ये आएगा जेड पावर एम प्लस एन। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी गेट, हम क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन माइनस वन टू वन है, वे लिख दीजिए आप तो माइनस वन से वन के बीच में इसका इंटीग्रेट, तो मैं इस टर्म को इधर लिख रहा हूं, तो ये आएगा समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव समेशन एम इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव आएगा माइनस वन टू वन, ये आएगा पी एन एक्स पी एम एक्स जेड पावर एम प्लस एन,
dx इज इक्वल टू, मैं इस टर्म को इधर लिख लेता हूँ, माइनस वन से वन, और इसको मैं इनवर्स है तो मैं इसको लिख सकता हूँ वन अपॉन वन माइनस टू एक्स जेड जेड स्क्वायर dx. बिल्कुल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं. पर स्टूडेंट मैंने अभी आपको इससे जस्ट पहले बताया था कि जब m और n दोनों बराबर नहीं होता तब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है. तो m और n अगर बराबर नहीं हुआ तो जीरो के बराबर, मतलब बराबर नहीं है तो जीरो के बराबर होगा. तो जब m और n बराबर होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं होगी. आपको ये प्रूव करना, तो क्या करेंगे, इफ m इज इक्वल टू n लेते हैं, है ना. वैसे हम m इज इक्वल टू n बराबर लेके चल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों समेशन बराबर कर देंगे तो ये आएगा n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये भी आएगा n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, तो ये आएगा माइनस वन से वन पी एन एक्स पी एन एक्स, है ना. ये आएगा z पावर, ये n n आएगा तो ये कितना आ जाएगा 2n dx इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ माइनस वन से वन. स्टूडेंट सीधा इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, मन ज्यादा अच्छा रहेगा. तो वन अपॉन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन x है, तो ये क्या आ जाएगा वन अपॉन log 1 माइनस टू एक्स जेड जेड स्क्वायर, और ये यहाँ पे हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आएगा माइनस का 1 अपॉन 2z, है ना, और लिमिट आ जाएगी आपके पास माइनस वन से वन, राइट. नाउ क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए आप समेशन n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव, समेशन n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव माइनस वन से वन, ये आएगा. वैसे समेशन एक ही लगाने की जरूरत है क्योंकि दोनों पे एक ही समेशन लग रहा है तो मुझे लगता है डबल समेशन लगाने की जरूरत नहीं है. सो पी एन एक्स का होल स्क्वायर z पावर 2n dx इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ पे आएगा माइनस का 1 अपॉन 2z, स्टूडेंट लिमिट रखेंगे हम, तो जैसे आप लिमिट रखेंगे तो जहाँ पर x से वहाँ 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2z प्लस z स्क्वायर माइनस, फिर हम x की जगह प्लस रखेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2z प्लस z स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 से 1 पी एन एक्स का होल स्क्वायर z पावर 2n dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2z, स्टूडेंट ये आ जाएगा log 1 माइनस z का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास माइनस log, ये आएगा 1 प्लस z का होल स्क्वायर, है ना. पर जैसे पावर होती तो वो आगे आ जाती थी, 2 आगे आ जाएगी, 2 आगे आ जाएगा, 2 कॉमन निकल के यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन z log 1 माइनस, एक काम करो इस माइनस को अंदर ले लेते हैं तो ये आएगा 1 प्लस z माइनस log 1 माइनस जेड, ठीक है. ये टर्म लेंगे हम, देन इसको हम एक्सपांड करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ आएगा ये इसकी वैल्यू 1 बाय जेड, ये आएगा जेड माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 जेड क्यूब बाय 3, इस तरह से हमारे पास टर्म आती जाएगी. और यहाँ पे ये सभी नेगेटिव आएगा तो माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस माइनस का जेड क्यूब बाय 3, इस तरह से हमारे पास क्या आती जाएगी, ये टर्म आती जाएगी ना. तो ये हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे एक टर्म आएगी. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप लोग z स्क्वायर बाई 2 से z स्क्वायर बाई 2 की टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो बाकी सब टर्म कैंसिल हो जाएगी. तो यहाँ आएगा हमारे पास ये z और ये z ट्वाइस हो जाएगा, तो मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ तो ये आएगा z प्लस z क्यूब बाई 3 प्लस z 5 बाय 5, इस तरह से हमारे पास टर्म आती जाएगी, है ना. नाउ इस z को डिवाइड कर दीजिए आप तो 2, है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, z से z कैंसिल हुआ तो 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन 3 प्लस z पावर 4 अपॉन 5, है ना, तो इस तरह से आता जाएगा. तो हम मैं यहाँ पे z पावर 2n की बात करूँ तो z पावर 2n है तो यहाँ पे आएगा ये 2n प्लस 1, है ना, क्योंकि जो 4 है तो 5 आ रहा, 2 है तो 3 आ रहा है ना. तो अब हम क्या करेंगे, ये टर्म हमारे पास आ रही है, नाउ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 से 1 पी एन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपके पास z पावर 2n dx. नाउ इक्वेटिंग कॉफिशेंट ऑफ z पावर 2n, है ना, हम z पावर 2n का कॉफिशेंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं. तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लीन करता हूँ, सॉरी. सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम इसका z पावर 2n का कॉफिशेंट देखेंगे. तो चलो एक काम करो, इसको पहले मैं थोड़ा सिस्टमेटिक लिखता हूँ, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव नाउ माइनस 1 से 1 ये आएगा पी एन एक्स का होल स्क्वायर z पावर 2n dx इज इक्वल टू, मैं इसको खोलता हूँ यहाँ पे तो मैं dx को पहले लिख लेते हैं, देन ये z पावर 2n बाद में लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना. नाउ इसको खोलते हैं यहाँ पे तो ये आएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव, है ना, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2n प्लस 1, है ना, ये आएगा z पावर 2n. नाउ इक्वेटिंग, वही सेम लाइन यहाँ लिख देंगे, इक्वेटिंग कॉफिशियंट ऑफ z पावर 2n ऑन बोथ साइड. तो स्टूडेंट यहाँ पे z पावर 2n का कॉफिशियंट कितना है, माइनस 1 से 1 पी एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, और इधर के हमारे पास कितना आएगा
2 अपॉन 2 एन प्लस 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो इसका जो टोटल वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा, सो दोनों को हम कंबाइन करके इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 से 1 पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है इफ एम इज नॉट इक्वल टू एन, और 2 अपॉन 2 एन प्लस 1 होती है इफ एम इज इक्वल टू एन। तो इस तरह से हम ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, यहाँ पे प्रूव करते हैं। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है ये जितना भी टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड आगे और भी जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपके सामने लूंगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना, होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देन उसके बाद जो हीट और वेव इक्वेशंस और इनके भी हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लास्ट में मेरी प्लेलिस्ट आ रही है, इन सबको आप देख सकते हैं और यहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।